Hello students, in this video we are going to solve exercise 4.3. इस exercise में हम chapter 4 का 4.3 solve करेंगे. तो चलिए इसकी exercise देखते हैं जो multiplication का दिया गया है. ये exercise आपकी है. इसमें पहला question है tick the correct option. जो भी ऑप्शन आपका सही है उसको टिक करना है. तो इसको हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे. 3 डिजिट की संख्याएं दी गई हैं आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन जो है आपको कौन सा सही मिलता है. इसके लिए पहले हम संख्या को यहाँ लिखते हैं. आपको एक क्वेश्चन हम आपको हल करके दिखा रहे हैं, इसी तरह से आप करेंगे अपनी कॉपी पे. यहाँ जैसे इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई किया जा रहा है किससे, 132 से. 132 से, ठीक है. तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे. पहले आप राइट साइड से संख्याओं को लेंगे. इधर से 2 का मल्टीप्लीकेशन पहले हम करेंगे 241 में. तो 2 का टेबल आप पढ़ेंगे 1 बार, तो 2 × 2. 2 का फिर आप 4 में करेंगे, तो 2 × 4 = 8. और फिर 2 का करेंगे आप 2 × 2 = 4. इस तरह से आपका एक स्टेप हुआ. दूसरा जब आप करेंगे, दूसरा संख्या जब आप लेंगे, तो जो आप यहाँ पे पहले 2 का किए हैं उसमें से फर्स्ट जो संख्या आई है 2, उसके नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, वहां पे आप छोड़ देंगे. दूसरी संख्या के नीचे से आप लिखना शुरू करेंगे. तो 3 का करिए, 3 × 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3 × 3. 3 × 4 = 12. 1 कैरी हुआ, और 3 × 2 = 6, और 1 = 7, ठीक है. इस तरह से आप करेंगे. अब अगली संख्या जब आप लेंगे तो फिर जो है इस संख्या के नीचे नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाली संख्या के नीचे हम लिखेंगे. तो 1 × 1 = 1, 1 × 4 = 4, और 1 × 2 में करेंगे तो 2, ठीक है. इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसके बाद इनको आप ऐड कर देंगे, जो आपको प्राप्त हुआ है तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके उसको आप ऐड कर देंगे. तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 हो जाएगा. 8 और 3 = 11 होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे. 1 कैरी हो जाएगा. 4 + 2 = 6 हुआ, और यहाँ 1 है, 7 हुआ, और 1 कैरी 8 हो गया. 7 और 4 = 11 होगा, और 1 कैरी नहीं, इसमें कैरी नहीं है, यहाँ पे 1 रहेगा, और 2 और 1 कैरी 3. 31,812. तो यहाँ देखिए, ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी जो है ये दिया गया है 31,812. इसी तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा अपनी कॉपी में. जो नीचे दिया गया है दूसरा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका ये आंसर आता है, इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे और अपना प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे. देखिए दूसरा, यहाँ पे संख्या दी गई है आपको, कॉलम में दिया गया है, और इसको आपको जैसे अभी आपको बताए हैं सेम आप उसी तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर प्राप्त कर लेंगे. अगला देखिए क्या दिया गया है. अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम एंड फाइंड द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे जो दिया गया है मल्टीप्लीकेशन की जो नंबर्स दिए गए हैं, इनको कहा जा रहा है पहले आप कॉलम में अरेंज करिए, इसके बाद फिर जो है प्रोडक्ट प्राप्त करिए, मीन्स जो है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर प्राप्त करिए. तो कॉलम में करने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को आप ऊपर नीचे करके लिख लेंगे. जैसे ये दिया है 125 × 112, तो क्या करेंगे, एक संख्या को आप ऊपर लिखेंगे. जैसे ये दिया है 125, मल्टीप्लाई किससे करना है, 112 से, तो यहाँ 112 लिखेंगे, ठीक है. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने का अभी आपको बताया मेथड कैसे आप करेंगे. 2 का पहले हम 5 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 1 में. एक लाइन आप लिखेंगे, 2 का 5 में करेंगे 10, ठीक है. 2 का फिर 2 में करेंगे 4 हुआ, और 1 कैरी 5 हो जाएगा. 2 का फिर 1 में कर देंगे
कितना होगा, टू, टू एन जा टू। फिर जब अगली संख्या का हम करेंगे वन का, तो यहाँ पे नहीं कुछ लिखेंगे, एक संख्या के नीचे छोड़ देते हैं, दूसरे स्थान से हम लिखते हैं। वन का फाइव में करेंगे तो फाइव आएगा, फिर वन का टू में टू, वन का वन में करेंगे वन, इस तरह से हो गया दूसरा। फिर तीसरी संख्या का हम करेंगे तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, वन का फाइव में फिर वही फाइव आएगा, वन का टू में टू, और फिर वन का करेंगे वन में तो वन। अब इसको हम ऐड कर देंगे नीचे की तरफ ऐसे ही, जीरो फाइव प्लस फाइव टेन, जीरो लिखेंगे वन कैरी हुआ, टू प्लस टू फोर, प्लस फाइव नाइन, प्लस वन कैरी है टेन, वन प्लस टू थ्री हुआ और वन कैरी फोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे केवल वन बचा हुआ है, यहाँ पे हम वन लिख देंगे। इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जो आंसर आपका है ये आपका प्राप्त हुआ। तो आपको इसी तरह से सेम अपनी कॉपी में संख्याओं को ऊपर नीचे करके कॉलम में करके इसके बाद तब कहा जा रहा है कि आपको सॉल्व करना होगा। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया फोर्थ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन जो है, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू।